हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक माउंटेनियर हूँ। हमारी आज की कहानी है साल 2018 की, जिस साल हम लोगों ने माउंट कंचनजंगा क्लाइम किया था। जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि माउंट कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हम लोगों ने जब क्लाइम किया था तो इसे इंडिया साइड से क्लाइम नहीं किया था, नेपाल साइड से क्लाइम किया था। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जानें कि क्यों -25 से 30 डिग्री टेम्परेचर में भी, कड़ाके की ठंड जब थी, हमें कंचनजंगा समिट पर 2 घंटे बिताने पड़े। तो ये किस्सा शुरू होता है 20 मई 2018 से। 1.5 महीना हो गया था लगभग और हम लोग बेस कैंप में कैंप कर रहे थे। बेस कैंप हम लोगों ने करीब 5600 मीटर की हाइट पर लगाया हुआ था। हम लोगों का एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस भी पूरा हो गया था। उसमें हम लोग एक बार कैंप 1, एक बार कैंप 2 और एक बार कैंप 3 तक जाकर वापस बेस कैंप आ गए थे। अब फाइनल क्लाइम का वक्त था और हमारी ONGC की पहली 5 मेंबर्स की टीम 19 मई की रात को कैंप 4 से समिट के लिए ऑलरेडी निकल चुकी थी। 20 मई की सुबह हम बाकी के 5 लोग कैंप 3 से कैंप 4 की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वहीं क्लाइंब करते करते हम लोगों को वॉकी टॉकी पे खबर आई कि हमारी पहली टीम समिट पर पहुंच गई है। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो एक्सपीडिशन सक्सेसफुल हो गया। हम लोग भी क्लाइंब करते हुए दोपहर तक कैंप 4 तक पहुंचे और वहीं पे पहले आसपास का नज़ारा देखा, फिर कुछ खा पी कर हम लोग अपने कैंप में आराम करने लगे। हमारे कुछ घंटे आराम करने तक हमारी पहली टीम के मेंबर समिट से कैंप 4 वापस आ गए। हम लोगों ने उनसे बात की तो पता चला कि उनको समिट कैंप से समिट तक जाते हुए 14 घंटे लगे। हम लोगों ने जब लास्ट ईयर के अपने एवरेस्ट क्लाइंब से इसको कंपेयर किया तो ये उससे 6 घंटे ज़्यादा था। लेकिन इन दोनों क्लाइंब में बहुत फ़र्क था। एवरेस्ट का समिट कैंप 8000 मीटर्स पे लगता है और उसकी हाइट है 8848 मीटर। तो फाइनल समिट पुश के वक्त हमें करीब 850 मीटर क्लाइंब करना होता है, जिसे हमने 8 घंटे में लास्ट ईयर किया था। यहाँ कंचनजंगा में फाइनल समिट कैंप 7400 मीटर पे लगता है और इसकी हाइट है 8586 मीटर्स। तो हमें करीब 1200 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करना था। हम लोगों ने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि हमें करीब 12 घंटे लगेंगे समिट कैंप से समिट तक पहुंचने में। हमारी पहली टीम के मेंबर्स बेस कैंप के लिए निकल गए और हम लोगों ने थोड़ा आराम किया, फिर 7 बजे तैयार होकर खा पी कर हम लोग समिट के लिए निकल गए। हम लोग मानकर चल रहे थे कि 12 घंटे के हिसाब से हम लोग लगभग 7 बजे समिट पे पहुंचेंगे और थोड़ा लेट हुए तो 9 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे 11 बजे से पहले का क्लाइंब थोड़ा सेफ माना जाता है। उसके बाद क्योंकि धूप और गर्मी की वजह से स्नो और आइस अनस्टेबल हो सकती है और एवलांच वगैरह का खतरा आ सकता है। कैंप 4 से निकलते निकलते अंधेरा ऑलरेडी हो चुका था। हम लोगों का सारा क्लाइंब अंधेरे में ही हुआ। अब पता चल रहा था कि कंचनजंगा का क्लाइंब एवरेस्ट से भी टफ क्यों माना जाता है। ये एवरेस्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टीप तो था ही, बट यहाँ ना तो रुकने की जगह थी और ना ही आराम करने की। एवरेस्ट के क्लाइंब के दौरान तो काफ़ी जगह आराम करने को मिल गया था। बालकनी में सिलेंडर चेंज करते हुए थोड़ा आराम हो गया था। साउथ समिट से नीचे भी एक लाइन लगी हुई थी तो वहाँ भी थोड़ा रुक गए थे। और क्योंकि हिलेरी स्टेप पे तो बहुत लंबी लाइन लगती है तो वहाँ कम से कम 1-1.5 घंटे हम लोग खड़े रहे थे। लेकिन यहाँ एक बार जब समिट कैंप से निकले तो चढ़ते ही चले गए। एक बार बीच में मैं पानी पीने के लिए कहीं रुका और दूसरी बार समिट से थोड़ा पहले ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने के लिए। यूं ही क्लाइंब करते करते रात के 3 बज गए। फिर एक चट्टान क्रॉस करते ही दूर कुछ लाइट्स दिखाई दी। कोई इंडिया का शहर था, शायद दार्जिलिंग था। उन लाइट्स को देखकर बहुत एक्साइटमेंट हुई। एक बार तो मन हुआ कि फ़ोन निकालकर नेटवर्क भी चेक कर लूँ। खैर, फिर और क्लाइंब करना शुरू किया और थोड़ी देर क्लाइंब करने के बाद एक हम के पीछे तारे दिखने लगे। तो लगा कि इस हम को नीचे उतरकर फिर से मेन चोटी को क्लाइंब करना शुरू करना होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उस हम के ऊपर पहुंचे तो यकीन नहीं हुआ कि हम 3 टीममेट्स दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। हमारे साथ हमारे 3 शेरपा भी थे। हमारे 2 साथी अभी आना बाकी थे। हम लोग बहुत खुश भी थे और थोड़े चिंतित भी थे, क्योंकि रात का अंधेरा था और वीडियोज और फोटोज लेना बड़ा मुश्किल था। बिना प्रूफ के हमारा सबमिट नहीं माना जाता। ये भी सोच रहे थे कि लास्ट ईयर एवरेस्ट में भी कुछ ऐसा ही हो गया था। हम लोगों के सबमिट के दिन वेदर इतना ख़राब था कि आसपास हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और इस बार यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पर हम लोगों ने आपस में और अपने शेरपा साथियों के साथ बात करके डिसाइड किया कि हम लोग सुबह होने तक वहीं सबमिट पर रुकेंगे। तब तक हम लोगों के बाकी के 2 साथी भी आ गए। -25 से 30 डिग्री वाली कंपकपाती हुई ठंड और रूह तक जमा देने वाली हवाओं के बीच कैसे हम लोगों ने 2 घंटे बिताए, चलिए देखते हैं। हेलो, दिस इज
राहुल फ्रॉम कंचनजंगा समिट, वी रीच्ड लिटिल अर्ली एट 3:30 AM ऑन द मॉर्निंग ऑफ 21st May. यू कैन सी एनीथिंग इन द सराउंडिंग बट फैक्ट इज फैक्ट एंड वी आर हियर विद लॉट ऑफ हार्डशिप. When it is said that Kanchenjunga is a lot more harder than Everest, it is very true. I've seen it with my own eyes, felt it with my own body. I thank you, ONGC, my family, my friends, and everyone else who has supported me in this endeavor. Thank you very much. I wish I could take the time and I could show this. वेलकम वेलकम कंचन भाई, टाइम याद रखना 3:35 पे व्यूअर है. ओके कंचन भाई, वो पोस्टर दिखाओ, ये हमारे एक्सपेक्टेशन दिखा कंचन भाई, ये देखिए. ओ इधर लाइट लगाओ, भाई के चेहरे पे लाइट लगाओ. यस यस यस, हेलो आकाश, कैसा लग रहा है, कहाँ पे आप? 0.8586. राम्रो छ कञ्चनजङ्घा समेट, मजा आ रहा है, वेदर राम्रो छ, वेदर राम्रो छ. हेलो किन ताई, हाय, हाउ आर यू फीलिंग? गुड. टायर्ड? बहुत. ओके ओके ओके, सो वी आर वेटिंग फॉर द लाइट सो दैट वी कैन क्लिक गुड पिक्चर्स. हेलो छोटू, फाइनली यू आर एट कंचनजंगा समिट फर्स्ट 8000. थैंक यू ONGC, थैंक यू सो मच. गला खराब होनुस, सोच्नुस, तोमर छैन, टेन्सन भाइ छ, तोमर छैन, भाइ तोमर कहाँ छ? इसका अम्मा क्या हो गया उसको? तोमर की जगह मैं आ गया, एक ही बात है. यूं ही बातें करते करते सुबह होने लगी, दूर सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा था और चारों तरफ का सुंदर नजारा दिखने लगा. ध्यान से देखने पर तो अर्थ का कर्वेचर तक दिखाई दे रहा था. जखमूला, यस,
समिट पे लगभग 2 घंटे बिताने के बाद, सबकी फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने के बाद, हम सब लोग नीचे की तरफ निकल पड़े, क्योंकि हम लोगों का क्लोथिंग और इक्विपमेंट बहुत अच्छा था, हमें ठंड इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी। लेकिन हमारे शेरपा भाइयों का हाल कुछ अलग था, इसीलिए हम लोगों से थोड़ा पहले वो लोग नीचे निकल गए थे और रॉक्स की शेल्टर में हम लोगों का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने जाकर उनको ज्वाइन किया और फिर सब साथ में नीचे की तरफ निकल पड़े। आज हमारा प्लान था कैंप 2 में जाकर रुकने का, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हम सब के सब लोग बेस कैंप पहुंच गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।